नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरविंद लकेसर, न्यूरोलॉजिस्ट वसुंधरा हॉस्पिटल जोधपुर से। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जो जनरल पॉपुलेशन में काफ़ी कॉमन है, लेकिन उसके लक्षण बहुत ही हल्के होने के कारण हम इसे इग्नोर कर देते हैं। आपने अपने आसपास ऐसे लोगों को देखा भी होगा जो कई बार ऐसे बात करते हैं कि या थोड़ी देर के लिए जो है एक हाथ या पैर जो है वो अचानक से भारी लगने लग गया था, या फिर कमज़ोर लग रहा था, बाइक पे ग्रिप नहीं कर पा रहे या कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रहे थे, या फिर कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए जबान लड़खड़ाने लग गई थी, या बोलने का प्रयास कर रहे थे पर बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन उसके तुरंत बाद जो है वो ठीक हो जाते हैं पेशेंट, तो वो उसको काफ़ी हल्के में लेते हैं। इस बीमारी को हम TIA बोलते हैं। TIA का मतलब होता है ट्रांजिएंट इस्चेमिक अटैक्स। यह बीमारी ठीक उसी तरह है जैसे कि आपने एक पिक्चर देखी होगी, एक फोटो फ्रेम जिसमें टिप ऑफ आइसबर्ग जो है उसको दिखाया जाता है। टिप ऑफ आइसबर्ग का मतलब होता है कि जो बर्फ का पहाड़ होता है वो जब पानी के अंदर तैरता है तो उसका खाली अपने को टिप ही दिखाई देता है, तो देखने में ऐसा लगता है कि जो ये समस्या है उसका जो बर्डन है वो काफ़ी कम है, क्योंकि लक्षण काफ़ी हल्के होते हैं, थोड़ी सी देर बाद ठीक भी हो जाता है, लेकिन एक्चुअल में जो समस्या है वो इससे बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। ये जो माइनर सी कंप्लेन है ये कभी भी जो है वो बड़े लकवे में बदल सकती है और ये बड़ी समस्या के रूप में प्रकट हो सकती है। तो TIA क्या है, आज इसके बारे में जानेंगे। TIA होता है ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक्स। ट्रांजिएंट का मतलब होता है कुछ सेकंड या कुछ मिनट के लिए यह होता है, इसलिए इसे ट्रांजिएंट कहते हैं। इस्केमिक का मतलब होता है कि जो दिमाग में खून की नस जो ब्लड लेके जाती है वो ब्लॉक होने की वजह से ही होता है। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक अटैक में जनरली वैसे ही सिम्टम होते हैं जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं जो मेजर स्ट्रोक में होते हैं, जैसे कि चेहरे का जो है एक हिस्सा तिरछा हो जाता है, बोलने में दिक्कत होती है, जबान तुतलाने लगती है, और एक हाथ या एक पैर में जो वीकनेस फील होने लगती है या भारीपन आने लगता है। कुछ लोगों को हाथ या पैर के पार्ट में ही जो है झंझनाहट या फिर जो वीकनेस की या ग्रिप करने में जो है दिक्कत जो वो बताते हैं। कुछ पेशेंट्स में जिनमें ब्रेन में पीछे की हिस्से की साइड में ये जो है माइनर स्ट्रोक जैसे सिम्टम होते हैं तो वो चक्कर आने की कंप्लेन करते हैं, कुछ सेकंड के लिए लड़खड़ाने लगते हैं या फिर उन्हें डबल दिखाई देने लगता है, या कुछ पेशेंट चक्कर खा करके गिर भी जाते हैं। तो ऐसी जब माइनर कंप्लेंट्स होती हैं और वो तुरंत ही रिकवर हो जाती है तो पेशेंट इन चीज़ों को इग्नोर कर देता है। उसको कई बार तो पेशेंट ऐसे भी बताते हैं कि उनको एक दिन में तीन तीन चार चार बार ऐसा हो रहा था बट उन्होंने इग्नोर किया और बाद में वो बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो गया। तो ट्रांजिएंट इस्केमिक स्ट्रोक में जनरली जो सिम्टम्स होते हैं वो लगभग एक घंटे से ज़्यादा नहीं होते हैं और उसके बाद सेल्फ रिकवरी उसमें हो जाती है और MRI ऐसे केसेस में नॉर्मल आते हैं। MRI में ब्रेन में कोई भी जो है डैमेज दिखाई नहीं देता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो खून की नस है उसके अंदर कुछ सेकंड के लिए एक छोटा जो थ्रोम्बस या थक्का जाता है और वो अपने आप ही जो है बॉडी की जो डिफेंस मैकेनिज्म है उससे वो धीरे धीरे भूल जाता है और वो वापस ठीक हो जाता है। बट यहाँ यह जानने की ज़रूरत है कि ये जो पेशेंट होते हैं वो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रोक की मेजर स्ट्रोक की रिस्क पे होते हैं, तो इसे हल्के में लेने की बजाय हमें इसको सीरियस लेने की ज़रूरत होती है। तो ये टिप ऑफ आइसबर्ग की तरह खाली टिप नहीं है, ये पूरा पहाड़ है जो हम इग्नोर कर देते हैं और उसके बाद में इससे जो होने वाले जो मेजर डैमेज हैं वो हमें जो है भुगतने पड़ते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स का वर्कअप कैसे किया जाता है, जैसे पेशेंट हमारे पास आया और उसने बोला कि उसको ऐसे ऐसे सिम्टम है, तो सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको पेशेंट्स को क्या क्या रिस्क फैक्टर है और जिनकी वजह से उसको ऐसा हो रहा है, जैसे कि ज़्यादा एज है उसकी या उसको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ है तो क्या वो कंट्रोल में है या अनकंट्रोल्ड है, हाइपरटेंशन है या हाइपरटेंशन जो है वो उसकी दवाई वो बराबर ले रहा है कि नहीं ले रहा, या हाइपरटेंशन जो है वो
उसका कंट्रोल है कि नहीं है, और इसी तरह कोई एडिक्शंस हैं जैसे कि बीड़ी सिगरेट तंबाकू या फिर कोई अल्कोहल का सेवन वो करता है कि नहीं करता है, कोई फैमिली हिस्ट्री है, या फिर यंग पेशेंट्स में ऐसा होता है तो उसमें कुछ अलग कोज होते हैं जिसमें कुछ जेनेटिक कारण रहते हैं जिनकी वजह से जो पेशेंट जो है उनकी टेंडेंसी ऐसी हो जाती है, या कुछ पेशेंट जो है कुछ ऐसे मेडिसिन पे होते हैं जिनकी वजह से ऐसा होता है। तो कुल मिला के हम पेशेंट का सबसे पहले हार्ट से लेकर के ब्रेन तक का एरिया पूरा स्क्रीन करते हैं, क्योंकि कोई भी थक्का है जो जनरली जमेगा तो वो कहीं से तो आएगा, तो या तो वो हार्ट के थ्रू जो है ब्रेन में जाएगा। तो हार्ट में कुछ बीमारियां होती हैं जो यंग लोगों में भी होती हैं, ओल्ड में भी होती हैं, जैसे वाल की कोई डिजीज़ हो, वाल्वुलर हार्ट डिजीज़ हो, या हार्ट की रिदम ठीक नहीं हो, या हार्ट की दीवारों की मोटाई सही नहीं हो, या उनकी पंपिंग कैपेसिटी सही नहीं हो। और उसके बाद हम बीच का एरिया स्क्रीन करते हैं, तो उसमें जो ये बड़ी खून की जो नलियाँ होती है जो नेक में, उनका हम या तो कलर डॉपलर करवाते हैं या एंजियोग्राफी करके देखते हैं कि उनमें कोई प्लाक तो नहीं है, कोई कोलेस्ट्रॉल तो नहीं जम रहा, या कोई रुकावट तो नहीं है। ऐसे ही ऊपर का जो जो टर्मिनल ब्रांचेज है जो ब्रेन में आगे जा कर के पूरी जो डिवाइड होती हैं, उनका भी हम एंजियोग्राफी की सहायता से देखते हैं कि ये जो थके आ रहे हैं वो उनका सोर्स क्या है, कि कार्डियोम्बोलिक है या फिर आर्टरी टू आर्टरी है। तो इस तरह से हम इसका वर्कअप करते हैं, वो सारे रिस्क फैक्टर को वन बाय वन करके चार्ट आउट करते हैं, और ये देखते हैं कि हम कौन कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। साथ में मीनवाइल हम पेशेंट को जो है ट्रीटमेंट पे भी रखते हैं ताकि ये जो एपिसोड उसको बार बार नहीं हो, और उसे अलर्ट करके रखते हैं थ्रोम्बोलिसिस के बारे में। उसके परिवारजन को भी काउंसिल करते हैं कि अगर ये बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट होता है तो उन्हें क्या करना है, जो कि मैं पहले काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस भी कर चुका हूँ कि उनको जो है वो आपको 3 घंटे से पहले पहले लाना है ताकि बड़े स्ट्रोक की कंडीशन में हम उनका थ्रोम्बोलिसिस या थ्रोम्बेक्टमी करके उनका परमानेंट डैमेज होने से हम रोक सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि TIA के बारे में जो आपने आज जाना वो आपके लिए नया होगा और काफ़ी उपयोगी भी होगा। तो जैसा कि मैं हमेशा अपील करता हूँ, आप दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करें, उनको भी जागरूक करें और ख़ुद भी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।